हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाइल्ड एजुकेशन। इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाउ टू फिल सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म, चाहे आप फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, चाहे आप रिपीटर स्टूडेंट हो। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कौन कौन स्टूडेंट सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। चैनल में अगर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। सो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम फॉर्म का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है, और ये जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है ये आपके एसएसपी पोर्टल के थ्रू किया जाएगा। एसएसपी पोर्टल वही जिसके थ्रू आपने जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया होता है। सो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एग्ज़ाम फंक्शन, जैसे स्टूडेंट फंक्शन, आर्टिकल फंक्शन, वैसी एग्ज़ाम फंक्शन। इसमें जो आपको एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है, सो आपके सामने जो है गाइडेंस नोट जो है पॉपअप हो जाएगा। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रखे होंगे आपके एग्जामिशन रिलेटेड। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को पूरा रेफर कर सकते हैं, या आपके अपकमिंग एग्जामिशन में इसके रिगार्डिंग में सारी डिटेल्स गिवन रहती है। आपको सिंपली क्या करना है, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द गाइडलाइंस में टिक कर देना है और ओके में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है एग्जाम एनरोलमेंट फॉर्म, जिसमें पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जाम सेंटर एंड फी डिटेल्स के ये तीन हेड रहने वाले हैं। सो इसमें पर्सनल डिटेल से बात करें तो इसमें आपकी रहेंगी स्टूडेंट डिटेल्स, बेसिक आपकी डिटेल्स रहती है, वो आपकी ऑटो फिल रहेंगी। इसमें आपको ऐसा कुछ फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एसएसपी पोर्टल में आपका पूरा डाटा पहले से ही अवेलेबल रहता है, तो वो इसमें आपको सिर्फ शो कर रहा है कि आपकी ये डिटेल्स है। फिर लास्ट नोन कॉन्टैक्ट डिटेल्स कि आपके मोबाइल नंबर, ई मेल आई डी एक्सेट्रा। फिर लास्ट नोन कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका बेसिकली एड्रेस, योर फोटो एंड सिग्नेचर इफ़ ब्लैंक फॉर्म कैन नॉट बी सबमिटेड। सो आप अपनी फ़ोटो को, अगर आपकी फ़ोटो विजिबल नहीं है, अगर शो नहीं हो रही, तो आप जो है फ़ोटो एडिट फॉर्म में जाके जो है उसे अपलोड और अपडेट कर सकते हैं। इसलिए नीचे जो है नोट भी इंस्टीट्यूट ने गिवन दे रखा है, यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं नोट, यहाँ पर इसकी रिगार्डिंग में दे रखा है, इट इज़ रिकमेंडेड टू अपडेट योर फोटो एंड सिग्नेचर एट स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफाइल एडिट फॉर्म इन एसएसपी एंड अवेट्स इट्स अप्रूवल इन ऑर्डर टू हैव द लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर ऑन योर एडमिट कार्ड। फॉर एनी कॉम्प्रोमाइज फोटो एंड सिग्नेचर मिसमैच यू मे एनकाउंटर प्रॉब्लम एट एग्जामिनेशन सेंटर। और फिर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। सो आपको जो है सिंपली एसएसपी पोर्टल में लॉग इन कर लेना है। पर्सनल डिटेल्स की हेड के बाद आपके आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का हेड। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स विजिबल होती है, जिन भी स्टूडेंट ने प्रोविजनल बेसिस में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है, बेसिकली 10th क्लास पास आउट के बेसिस में रजिस्ट्रेशन करवाया होता है सीए फाउंडेशन में, तो उनकी 10th की डिटेल्स विजिबल होती है। वहीं जिन भी स्टूडेंट ने फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा तो उनकी 12th की डिटेल्स भी विजिबल रहती है, और वहीं आपकी एग्ज़ाम डिटेल्स भी विजिबल रहती है, जैसे कि आपका करंट कोर्स नेम क्या है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, कोर्स का कोड क्या है, कोर्स की एक्सपायरी डेट क्या है, एग्जामिशन डेट क्या है, और मान लीजिए अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसके बारे में लिखा होता है। और आपकी अगर कोई डिटेल्स मिसिंग होती है, मान लीजिए अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपकी 12th क्लास की जो डिटेल्स होगी वो मिसिंग रहेगी। जिन्होंने फाइनल रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनका नहीं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है, और उनकी 12th क्लास की जो डिटेल्स है वो भी विजिबल रहती है। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट में क्लिक कर देना होता है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपका जाएगा एग्ज़ाम सेंटर एंड फी डिटेल्स का हेड। इसमें जो आपको एग्ज़ाम सेंटर कौन सा सेलेक्ट करना है, किस मीडियम से आपको एग्जामिशन देना है, और आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर, वो सब कुछ में विजिबल रहता है, आपको कितना पेमेंट करना है। बेसिकली सबसे पहले आएगा आपका मीडियम डिटेल्स कि आपको कौन से मीडियम में एग्जामिशन देना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आएगा आपकी सेंटर डिटेल्स, जैसे कि आप कौन से रीजन से एग्जामिशन देना चाहते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट, और उसी के बेसिस में एग्ज़ाम सिटी। अब जैसे कि कुछ सिटीज़ में वेरियस जोन्स होते हैं, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री, जोन फोर, सो नीचे जो है सेंटर कोड भी लिखा होता है और उसके अंदर कौन से जोन कवर होते हैं वो भी विजिबल रहता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको नहीं पता कि जोन वन में कौन सा आता है, तो आप जोन वन सेलेक्ट कीजिएगा। अगर उसमें से कोई नियरेस्ट सिटी होगी तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जोन टू के बारे में जाना है तो जोन टू को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जोन थ्री को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मल्टीपल जोन्स को आप सेलेक्ट कर करके चेक कर सकते हैं कि आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है। उसके बाद आपकी आ जाती है फ़ीस डिटेल्स। फ़ीस डिटेल्स में जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो फ़ीस डिटेल रहती है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम फॉर्म की, वो रहती है 1500 रुपीज़। लेकिन मान लीजिए आपने जो है विदाउट लेट फीस की जो लास्ट डेट थी उसके बाद से एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना शुरू करा, तो उस सिचुएशन में आपको जो 600 रुपीज़ हैज़ अ लेट फीस भी पे करने पड़ेंगे, और उस सिचुएशन में आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस हो जाएगी वो हो जाएगी 2100 रुपीज़। अब आता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन। तो पहले के टाइम में जो है सेल्फ डिक्लेरेशन को प्रिंट आउट करवाना पड़ता था, फिर उसको अटेस्टेशन करवाना पड़ता था, और उसके बाद फिर स्कैन करके अपलोड करना पड़ता। लेकिन अब से जो है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस बहुत ही ईजी बन चुका है, आपको कुछ भी सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में
टिक कर देना होता है। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अब इसमें जो है सेल्फ डिक्लेरेशन भी टू टाइप्स की होती है। तो जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल बेसिस में सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके लिए होती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एग्जाम प्रोविजनल कैंडिडेट। तो बेसिकली जो भी स्टूडेंट 10th पास आउट होते हैं और उन्होंने जो है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाया था, उनके 12th के एग्जामिशन में अपेयर हो चुके होते हैं या तो अपेयर होने वाले होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एग्जाम प्रोविजनल कैंडिडेट भी होता है, जिसमें लिखा होता है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द पर्टिकुलर स्टेटेड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। आई हैव रीड द गाइडलाइंस नोट फॉर कैंडिडेट्स एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ दैट आई एम एलिजिबल टू अपेयर इन एंजुइंग फाउंडेशन एग्जाम इज टू बी हेल्ड इन December 2022 एंड आई शेल अबाइड by the terms and condition contained therein. I understand that my admission to foundation and result thereof shall be provisional and subject to the verification at my fulfilling the eligibility requirements in terms of the CA regulation 1988 and decision of the council of the ICI, and I will upload class 12th admit card or hall ticket in SSP portal before writing foundation examination. I understand that in case I fail to upload class 12th admit card in SSC portal, my foundation result is liable to be withheld, cancelled. The decision of the institute in this regard shall be final and binding upon me and I shall be abide by the same. So basically उन students के लिए होता है जिन्होंने provisional basis में CA foundation course में registration करवाया होता है, उसी के case में मान लीजिए अगर आपने जो final registration करवा रखा है तो आपके लिए सिर्फ simply एक ही self declaration होगा और उसमें आपको जो है simply I agree में टिक कर देना है और submit में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट में क्लिक कर देंगे तो आपको जो है ये पेमेंट गेटवे में रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम, प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और ईएमआई, और फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे आप सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यूर एग्जामिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। जैसे आप एग्जाम फॉर्म फिल कर लेते हो उसी के सेपरेट में एक और टैब भी आ जाता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का, तो वहाँ पर जाके आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑल दो उसको कैरी करना मैंडेटरी नहीं है, आपको जो कैरी करना होता है वो होता है एडमिट कार्ड। और मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने कोई गलत एग्जाम सेंटर या तो मीडियम सेलेक्ट कर लिया, उसे आप चेंज करना चाहते हैं एग्जाम फॉर्म फिल करने के बाद, सो उसके लिए जो इंस्टीट्यूट करेक्शन विंडो ओपन करेगी। एग्जाम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो है 2 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा 10 AM ऑनवर्ड्स, और लास्ट डेट रहने वाली है विदाउट लेट फीस 23 फरवरी 2024। उसके बाद भी आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं लेकिन आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी, और तब लास्ट डेट रहेगी 2 मार्च 2024। एग्जाम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के बाद आपका जो है करेक्शन विंडो का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 3 मार्च ऑनवर्ड्स, और लास्ट डेट रहने वाली है उसकी 9 मार्च 2024। करेक्शन विंडो के थ्रू आप जो अपना मीडियम सेंटर चेंज कर सकते हैं। ऑल्दो जब आप ओरिजिनल में एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो अपनी डिटेल्स आप करेक्टली फिल करेंगे तो आपको हैसेट करेक्शन विंडो यूज़ करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं। तो ये बाकी सभी सीए स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस उनके एग्जामिशन की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी सीए स्टूडेंट्स के साथ, वीडियो के फिर वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताया कि आप कौन से लेवल से अपकमिंग May/June 2024 में एग्जामिशन देने जा रहे हैं। चैनल पर अपनी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब में एक बात है चैनल है, चैनल को पिछले 4 सालों से जो अपडेट्स प्रोवाइड करवाता है और चार्टर्ड फैमिली का पार्ट बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।